हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हम जैसे कि क्लास नाइन्थ मैथ्स के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर रहे थे बहुत ही इजी मैनर में, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि जितने भी हमको ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इकलौता मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन है, तो इन सभी को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपका डिवीजन मेथड यूज होगा। सो देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है 36/100, सॉल्व करते हैं इसे और सीखने की कोशिश करते हैं कि किस मैनर में इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना है। तो हमारा एक्सरसाइज है 1.3 और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि है 36/100। आप लोगों को पता है जब भी हम डिविजिबल करते हैं तो अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर हो तो ऊपर वाला हमारे लिए होता है न्यूमिरेटर, ये होता है न्यूमिरेटर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमेशा न्यूमिरेटर हमारा अंदर आता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है। अब डिवाइड करना हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो जैसे कि 100 और 36 को डिवाइड करता हूँ तो 36 तो छोटा है तो हम 0 लगाकर एक डेसिमल दे देंगे। अब 100 के टेबल में 360 नहीं आता, इससे छोटा आता है 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हमें मिलेगा 60 छोटा नंबर है तो इसलिए हम 0 ऐड करेंगे एक और। अब याद रखना जब तक डबल 0 ना ऐड हो जाए तब तक 0 ऊपर एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो 100 के टेबल में 600 आता है आपके 6 पे, तो 300 आता था आपके 3 पे और 600 आता है आपके 6 पे, तो माइनस करेंगे बचेगा 0। तो इट्स मीन के 36/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.36, ये है आपका आंसर। अब देखते हैं हम लोग जरा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/11, तो देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सेकंड पार्ट 1/11, तो फिर से हम डिवाइड करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ, डिवाइड करेंगे हम। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 है तो अंदर 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 11 है तो बाहर 11 रहेगा। सो अब देखो 1 छोटा है 11 से, सो 0 लगाकर एक डेसिमल देंगे हम। अभी भी देखो अभी भी हमारे पास जो अंदर का डिजिट है वो बाहर के डिजिट के कंपेरिजन में स्मॉलर 1 है, तो उसके लिए हम एक 0 और एक्स्ट्रा लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 और आपका लग जाएगा। अब करना स्टार्ट करते हैं, 99 आता है 11 के टेबल में 9 में, देन माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या बचेगा 1, और यहाँ पर अगर मैं अगेन 0 लगाता हूँ तो आप देखोगे कि नंबर किस तरीके से रिपीट हो गया, और जब नंबर आपका वापस से रिपीट होता है तो आप इसके ऊपर लगा दोगे बार। इट्स मीन कि ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो बार बार आपको सॉल्यूशन करने से अच्छा है कि आप इसके ऊपर बार यूज़ कर लो। तो इसका मतलब 1/11 का जो आपका सॉल्यूशन है वो है 0.09 बार। अब जरा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन था और वो मिक्स फ्रैक्शन है 4/1/8, तो देखते हैं 4/1/8 का सॉल्यूशन क्या निकलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 4/1/8। सबसे पहले ये जो दिया है हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। बहुत बच्चों को आता भी होगा और कुछ को नहीं भी आता होगा, तो वो सीख लीजिए कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं। हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 8 4 32, और उसमें ऊपर वाला न्यूमिनेटर ऐड कर देंगे। तो फिर से सीख लो, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे, तो 8 4 जा हमारा 32 32 में 1 प्लस 33, तो ये कन्वर्ट होकर आपके 33/8 आ जाता है। तो जो डिनोमिनेटर रहेगा वो तो आपका आएगा ही आएगा। सो अब इस फ्रैक्शन को चेंज करते हैं हम लोग डेसिमल में। अगेन हम यूज करेंगे डिविजिबल मेथड। अब 8 के टेबल में 33 नहीं आता, 32 आता है, और 32 आता है वो भी 4 पे, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 0 लगाया तो 0 लगने के बाद हमें पता है एक एक्स्ट्रा 0 लगता है, डेसिमल लगेगा ऊपर, 8 1 जा 8 होता है हमारे पास, माइनस करेंगे बचेगा 2, अगेन 0 लगाया, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे और बचेगा हमारे पास 4,
फोर छोटा है इसलिए अगेन एक जीरो लगाएंगे, एट के टेबल में 40 आता है, फाइव में रिमाइंडर बच गया हमारे पास जीरो। तो इसका मतलब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है 4 1/8 का, जो कि कन्वर्ट करके हमने 33/8 कर दिया था, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 4.125। ये आपका आंसर है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो बाकी के पार्ट बचे हुए हैं।